अगर मेरे साथ कोई टॉक्सिसिटी हो रही है तो किस तरह आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इस वक्त गलत हो रहा है मेरे साथ? अगर कोई चीख नहीं रहा हो, मुझे कोई गालियां नहीं दे रहा हो, मुझे कोई थप्पड़े नहीं मार रहा हो, लेकिन फिर भी मैं अब्यूज हो रही हूँ सटली, हाउ टू डिसर्न दैट? सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, दो तरीके के लोग होते हैं। एग्रेसिव पीपल, जो चिल्लाना, किसी के सामने जलील कर देना, कुछ मार देना। एक होते हैं पैसिव एग्रेसिव, वो काइंड है जिसे बचना चाहिए आपको। जो अग्रेसिव है तो उसने बोल दिया, आपने आपको पता चल गया, निकलने के बाद आपने आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लिया ना, मतलब उसने आपने आइडेंटिफाई बहुत इजी कर लिया। लेकिन पैसिव अग्रेसिव को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो उसके लिए आपको कुछ साइंस देखनी होगी अपने अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फर्स्ट पहली चीज आपको पता करनी होगी कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप खुद ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये तो बड़ा अच्छा, आई ऑलवेज, और ये मैं बहुत अनकॉन्शियसली अपने हम सबसे पहले, कैसे तुम मुझसे कैसे बड़ी हो जाओगी, मेरे से तुम्हारी पहचान है, तुमसे मेरी पहचान कैसे हो सकती है? अना, मैं अपने दोनों भाइयों को कॉन्स्टेंटली ये कहती रहती हूँ कि दोस्त ऐसे रखो जिनसे आप सीखो, जिनको जिनकी कोई ना कोई एबिलिटी आप एडमायर करो कि आप अडॉप्ट कर सको। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। एक हो गया, फिर अगला बताइए। तो ग्रो होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अच्छा, अक्सर लोग देखते हैं कि मेरी शादी को 25 साल हो गए, दैट मींस वी ग्रो टुगेदर, हमने एक साथ बड़े हुए। आप देखिए, 25 सालों में आप खुद कहाँ खड़े थे 25 साल पहले और आज कहाँ खड़े हो? अगर आप कहीं पे भी ग्रो नहीं किए, दैट मींस दैट वाजंट अ गुड रिलेशनशिप। सेकंड चीज होगी कि आपको अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो आपके वालदेन हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका शौहर हो, उसके लिए किसी से झूठ बोलना पड़े, उसका बिहेवियर छुपाने के लिए कि वो क्या करता है, वो किसी के पीछे से गाली देता है, वो किसी के बारे में कुछ बुरी बात करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है बीवियों में स्पेशली कि वो अपनी फैमिली के सामने इज्जत बचाने के लिए, लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए, वो कहती है जी बस घर की बात है ना, मैं नहीं कर सकती, या मैं उस बात को बिल्कुल छुपा के किसी और से झूठ बोल के और कमिटमेंट कर देंगी। तो ऑब्वियसली हम इस झूठ का मतलब ये नहीं कि वो डिनर पे नहीं आ सके, नजला था टाइप झूठ, ओके, प्रॉपर झूठ, प्रॉपर झूठ के। फॉर एग्जांपल, अगर अग्रेसिव है, मुंह पे निशान है, तो जी मैं गिर गई, दैट इज समथिंग वेरी, इतना खून यार मैं गिर गई हूं। मार से बहुत ज्यादा बुरा जो होता है ना, वो जो एक टोन होती है और एक गाली होती है, बिल्कुल डिमीनिंग सी टोन। आप सोचें कि तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है? ये जो वर्ड औकात है यार, मेरी औकात थी तो तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया ना, बिल्कुल मत आते मेरे पास, बिल्कुल तुम्हें सड़क पे लाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो क्या और मैं क्या हूँ। तो ये जो वर्ड्स है ना, जहालत, ये आपकी मार से बहुत बड़े, जो आपकी रूह को यूं खुरचते हैं रोज। अच्छा, ये चीज है, एक मियां बीवी के रिलेशनशिप के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंगेजमेंट में हो चाहे शादी कर रहे हो। आप अपने, फॉर एग्जाम्पल, आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन और यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, आप उस रिलेशनशिप को उस पर ट्रस्ट करके सब बताते हो। इसके साथ मुझे बॉन्डिंग करनी है, ठीक है ना, कि जी मेरे साथ मेरी ये इनसिक्योरिटीज है, मैं यहाँ, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, वल्नरेबल होते हो ना, क्योंकि दैट इज द पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप, किसी एक के साथ मैं वल्नरेबल हूँ, राइट? सो आप अपना ट्रिगर बताते हो उसको, आप अपनी इनसिक्योरिटीज बताते हो, आप बताते हो किसके साथ रिलेशनशिप अच्छे है या नहीं है। अब जब लड़ाई हुई शादी के 2 साल बाद, उसने पहले तो वो ट्रिगर आपका दबाया बटन कि आप फ्लर अप हो, और फिर वही इनसिक्योरिटीज आपके मुंह पे देके मारी, That is a toxic relationship. अच्छा, मुझे अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि औरतों के साथ बहुत होता है। मुझे आप इसका एक तो एग्जाम्पल दें, ऑर्डिनरी एग्जाम्पल, कि ये अब ये टॉक्सिसिटी और अब्यूज में शामिल होता है, और अब इसका आप सोल्यूशन भी बताएं। अच्छा, सबसे पहले जो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका भाई जो है वो सिगरेट पीता है, और आपके शौहर के घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, भाई छुप के पीता है, आपने अपने शौहर को बता दी ये बात, ठीक है कि वो सिगरेट पीता है, या उसके ऊपर कोई कर्जा है बैंक का। अब जैसे ही कोई लड़ाई हुई, घर पे जाने वाली बात हुई, थोड़ी सी मूड ऑफ हुआ, तुम्हारा भाई तो देखो सिगरेट पीता है, चरसी है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, और तुम्हारा भाई तो कर्जे की खाता है, वो तो सूद खाता है, तो ये तो बहुत कॉमन, बहुत कॉमन है, ये तो बहुत छोटी एग्जांपल है। इसके अलावा इस पे हम छोड़ तो नहीं सकते, नहीं छोड़ नहीं सकते, बट आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट। अगर किसी बीवी को उसका शौहर बोलता है कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तो बीवी की गलती नहीं है, वो डिप्रेस ना हो। सी, इट्स नॉट अबाउट लीविंग द पर्सन, इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग कि ये उसकी खामी है, मेरी खामी है, और ये और इसकी ये खामी है कि ये मेरी इस बात को बनने में ज़र्फ नहीं है कि ये मेरी बात को मेरे मुंह पे ना माने, मेरा पर्दा बना है। मैंने जो आपसे शुरू में कहा ना कि हर चीज छोड़ना हर मसले का हल ही नहीं है,
कभी कभी ना अपने उस बटन को मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ से बहुत दफा होता है मैं अपना वो बटन ही ऑफ कर लूँ। मैं कहती हूँ थोड़ी देर ना इस बटन को ऑफ रखो, क्योंकि एक बंदा ऐसा है, ठीक है, अब वो नेगेटिव है, मैं उसका क्या कर सकती हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं छोड़ के घर से निकल जाऊं, या खुद को मार लूं, या इसे मार लूं। तो मुझे इन दोनों से भी कोई काम नहीं करने, तो बेहतर है अगर मैंने कोई चॉइस नहीं रखी अपना, बस मैं अपना, तो फिर बेहतर है अपने आप को पॉजिटिवली, मैं कमरे में, उस कमरे से निकलती हूँ, दूसरे कमरे में बैठ जाती हूँ, आवाज थोड़ी तेज कर लेती हूँ टीवी की, ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन इधर हो। अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो फोन में साइड पे रख देती हूँ। ओके दैट ग्रेट, हाँ हाँ, मैंने सुना कुछ नहीं लेकिन हूँ हाँ कर दिया, ताकि मजीद चीजें खराब भी ना हो। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रखना चाह रहे हैं, नहीं रखने के लिए तो कोमल बहुत ही आसान है, मैं उठूं यार सॉरी मैं आपके साथ रह नहीं सकती, खत्म धम। अच्छा पॉइंट आता है कि व्हाट इज दैट पॉइंट जिसमें आपको एक सीरियसली सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अगर इसके साथ जीऊंगी तो मेरे ऊपर ये ज्यादा। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग के देयर इज नो होप टुमारो, मतलब जब कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद कल का दिन ठीक नहीं होगा, मतलब कल का दिन इससे बुरा होना है। सी आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इंसान किस पे जीता है, उम्मीद पे, होप पे। आप रोज सुबह उठती, चाहे कितना भी बड़ी मुश्किल पीछे गुजरी हो, आपको पता है कल उठूंगी, कल इससे बात करूंगी, उससे डील कर लूंगी, अच्छा आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई कल कर लूंगी, आज शो नहीं हुआ कल कर लूंगी, मेरी सेल्स आज नहीं हुई कल हो जाएंगी। दिस होप ड्राइव्स यू कि आप सुबह उठो करो, लेकिन जहां रिलेशनशिप में आपको लगे कि मेरा कल का दिन आज से बुरा होगा, दैट इज द टाइम कि वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप उसको छोड़ दे, या तो उसको टाइम दे अगर आप नहीं छोड़ सकते। सी अगेन वही वाली बात है, जब लोग इस शो को देखेंगे सुनेंगे तो कहेंगे कभी कभी बड़ी वो बात कर रहे हैं, बड़ी इलीट बात कर रहे हैं कि छोड़ दे, कुछ छोड़ा थोड़ी जाता है, निभाया जाता है, निभाया उस चीज को जाता है या प्रिजर्व उस चीज को किया जाता है जो रोटन ना हो। आप देखें ना कोई सब्जी घर में है, आपको पता है यार अगर मैं इसको उस पर अखबार में डालूंगी तो खराब नहीं होगी, लेकिन एक टाइम आएगा सब्जी खराब हो जाएगी और आपको फेंकनी पड़ेगी।